ये देखिए, ये है आफत की जड़, मोमबत्ती का टुकड़ा। मारे को लगो कि घने अंधेरे हुए, इसलिए एक मोमबत्ती लाके रख दियो जी। अरे ऐसे कैसे रख दिया? रखने का नतीजा देखा है तुमने? अरे हमारी गुंजन की शादी का जोड़ा चला दिया तुमने? मान लो तुम्हारी शादी का जोड़ा को इसी तरह चला दे तो? अभी तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना, इसलिए पता नहीं है कि जोड़े की अहमियत क्या होती है। देखिए, आप मेरी बेटी से इस तरह से बात नहीं कर सकती हैं। उसे जो कुछ भी किया है जानबूझ कर नहीं किया है। क्या हुआ? अरे पानी लेके आइए, इसे बैठाओ जल्दी। कुछ ना हुआ जी, कुछ ना हुआ। कोई डॉक्टर को बुलाओ। ना जी ना, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। इनको कभी कभार कुष्ठ के दौरे पड़ते हैं। मिठू, कोई दवाई है इसकी? नहीं जी, आप बस सबर रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा जी। हमें हमको कुछ ना हुआ, कुछ ना हुआ, सब ठीक हो जाएगा। परेशान हो रहे हैं अब जी, हम आपके लिए पानी लाते। पानी लेकर आओ। संगीता जाओ। माफ कर दो जी, हमारे से अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई जी। इसमें माफी मांगने वाली कौन सी बात है? एक्सीडेंट तो किसी से भी हो सकता है। फिर भी वो आपकी शादी का जोड़ा था जी। था तो सही, हमारे मीठे रिश्ते, प्यार, हमारी खुशी का प्रतीक। लेकिन था तो सिर्फ कपड़ा ही ना। जरूरी बात यह है कि मैं और मयंक साथ हैं और खुश हैं। मामी जी, जोड़ा तो दोबारा बन सकता है, लेकिन जो आपका और मेरा रिश्ता है, इसे बनने में कितने दिन लगे, मजबूत करने में, प्यार से पिरोने में, है ना? आज हम विक्रम और मिठू के साथ एक नए रिश्ते को सजोने जा रहे हैं। फिर क्यों उस रिश्ते में इस एक्सीडेंट के बारे में सोचकर खटास लाए? सही कहा तुमने गुंजन,
चीजों का क्या है, वो तो वापस भी आ जाएंगे, लेकिन रिश्ते बने बनते रहने चाहिए। ये समझदार हो गया बेटा, कहां से लाई बेटा इतनी समझ? पकली ये सब तो आप लोगों की महानता है जी कि मारे को माफ कर रहे हो। जीते रहो बेटा। अरे जो लड़की हमारे विक्रम की जिंदगी में आई है, जिसने इसका दिल जीता है, जो इसका इतना ख्याल रखती है, क्या उसे हम अपना नहीं मानेंगे? लो इस बात पर बिजली भी आ गई। आप खाने से पहले एक काम करते हैं, ये सब कुछ साफ कर देते हैं, ठीक है? आओ चलो। मौसी माँ मैं कर लूंगी, एंड मेरी पार्टनर रचना तुम भी। नहीं वो क्या है कि हमें दादी के लिए सूप बनाना है, वो उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए। तबीयत ठीक नहीं है, क्या हुआ उन्हें? वो बीमार है। चलिए मुंह खोलिए दीजिए। इनफ दादी, बहुत जिद करने लगी हैं आप। आई स्वेर अगर हमें पहले पता होता ना कि तुम हमारी जिंदगी में इतने पंगे करोगे तो। हाँ हाँ बहुत बुरा हूं मैं, ओके, लेकिन दवाई तो आपको लेनी पड़ेगी। दवाई लेंगे पर एक शर्त पे। व्हाट कंडीशन? कान पकड़ के उठक बैठक करो। व्हाट? दादी डोंट बी रिडिकुलस प्लीज। ठीक है फिर दवाई पीना कैंसल। नहीं मानेंगी आप? हेलो रचना, आओ बेटा आओ। कैसी हो? वो हम दादी के लिए सूप लाए हैं, उन्हें गर्म करके प्लीज दे दीजिए, ले लीजिए। मौसी जी क्या हुआ है आपको? मौसी जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आपने हमें बताया तक नहीं। अरे भाई इसमें बताने का क्या है, और बुखार कोई बीमारी थोड़ी है, ये तो नाटक किया था मैंने बहाना तुम्हें यहां बुलाने का। मौसी जी आप और आपकी बातें सच में। अच्छा सुनिए हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर आप किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो हमें बता दीजिएगा बेझिझक। हाँ और हाँ आज का खाना हम बनाकर आपके लिए भेज रहे हैं, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। हम चलते हैं। हाँ नन्हे अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बेझिझक हमसे मांग लेना, शर्माना मत। रचना दादी के साथ थोड़ी देर बैठो। Listen, ये जो कुछ भी तुम लाई हो उसके लिए थैंक्स, एंड रिमेम्बर मैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करता, इसलिए खाना लाने के बहाने आना जाना बंद कर दो। एंड वन मोर थिंग, अगर मुझे इंप्रेस करना है तो काम करके करो, चापलूसी करके नहीं। चापलूसी? आपको ये सब कुछ चापलूसी लग रही है? हम ये सिर्फ दादी के लिए लाए थे। नहीं चाहिए, थैंक्स। हेलो वो जो सूप हमारे लिए आया है उसे दो जल्दी से, कम ऑन क्विक।
थैंक यू। वाओ, खुशबू इतनी अच्छी है तो टेस्ट कितना बढ़िया होगा। क्यों हाँ? दादी हम निकलते हैं। हाँ ओके बेटा। नन्ने तुम रचना से इतनी रूडली क्यों बात कर रहे थे? उसने काम ही ऐसा किया था दादी। I had to। तो शुरू करें? एक मिनट पहले चेक कर लेते कि और क्या नुकसान हुआ है। मयंक क्या हुआ? क्या हुआ जी? क्या हुआ? ये देखिए का जोड़ा, इसे कुछ नहीं हुआ मम्मी जी, आपकी चिंगारी तक नहीं आई इस पर। इसका मतलब हम पाप करने से मुक्त हो गए जी। बेटा ये तो सच में फायदे की बात है। मिठू बेटा कहा सुना हमें माफ करना। कंचन बेटा तुम दिल की बहुत साफ और अच्छी हो ना, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, इसलिए तुम्हारी शादी का जोड़ा बच गया है। अब क्या जानते नहीं है तुम्हें कितना दुख हो रहा था? कहने भर के लिए तुम्हारे लिए कपड़ा था ना ये, लेकिन ये तुम्हारे दिल के सबसे करीब है। अब रो क्यों रही हो पगली? चलो मुस्कुरा दो। दीदी गुंजन वो सब तो ठीक है पर फिर जो जला वो क्या था? पता नहीं चाची जी, उस समय जब कमरे में आए तो बिल्कुल ऐसे ही लगा जैसे मेरी शादी का जोड़ा है, लेकिन अभी जब कबर्ड खोलकर देखा तो ये तो वही था। हाँ पर फिर भी। वाह संगीता वाह, क्या जासूसों वाला दिमाग पाया तुमने है? वैसे इस कमरे में ना जलने की बहुत बदबू आ रही है, तुम एक काम करो, तुम आज रात रचना के कमरे में सो जाओ। तुम मिठू और रचना, अगर सोते वक्त घूंघट ऊपर हो गया तो। और हाँ मयंक तुम विक्रम वाले कमरे में, ठीक है? जी ताजी। ठीक है लेकिन पहले मैं कमरा साफ कर लूं। हाँ भाई हाँ, अपनी मम्मा की तरह सब कुछ अपनी जगह टिप टॉप होना चाहिए। नहीं चलो साफ करो। काकी साहब वो हम हाल में या आंगन में सो जावेंगे जी। क्यों बेटा? क्यों रचना के कमरे में? मारा मतलब है कि बिस्तर पे तो सिर्फ दो ही लोग सो सकते हैं ना जी। अरे तो क्या हुआ, हम नीचे एक और बिस्तर लगा देंगे, उस पे तुम में से कोई एक सो जाना, हम तुम्हें बाहर ठंड में थोड़ी ना सोने देंगे। नहीं नहीं काकी साहब, मारे को ठंड में सोने की आदत है जी, हम सो जावेंगे। नहीं मिठू तुम्हें आंगन में सोने की कोई जरूरत नहीं, तुम रचना और गुंजन के कमरे में सो जाओ। टूथपेस्ट टूथब्रश फेस वॉश कहां चला गया?
अपना आईटी भी नहीं मिल रहा है। अच्छा जी, तो मेरी चीजें आपने छुपाई है, क्यों? चलो लाओ मेरी चीजें वापस दो। नहीं मयंक, चुपचाप मेरी चीजें वापस दे दो, नहीं तो? नहीं तो क्या, छीन के लोगी? हाँ ले लो। ओके 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 ओके, वेट वेट वेट, आई हैव अ बेटर प्लान। क्यों? हम छत पे जाके इस सुहानी रात का मजा लेते हैं। क्या बात है रोमियो, आज कोई बहुत मूड में है हु? तो चले। I'm so sorry. भैया अभी आपको लगती है? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम ठीक हो ना मिट्टू? मिट्टू तैयार हो, चले जी। क्या भैया, देखा ये लड़कियां भी ना बड़ी बेदर्द होती हैं, हमारे दिल की भाषा को समझती नहीं। हाँ। और तुम भी पहले से रेडी रहो विक्रम मजनू। रेडी हूँ भैया और समझता भी हूँ। अब भैया आप देखिए ना, जब से मैं यहाँ आया हूँ ना, मिट्टू के साथ अलग से टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। आइडिया? कौन सा आइडिया भैया? अच्छा आप दोनों ऊपर सो जाइए, हम नीचे सो जाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम यहीं ऊपर सो। नाना जी हम नीचे सो जाएंगे। पागल मत बनो, तुम हमारी मेहमान हो, रचना या मैं नीचे सो जाएंगे, तुम ऊपर ही सो। हाँ हाँ, देर किस बात की, आप ऊपर सो जाइए। अब सोचो भैया, मम्मी की 13वीं की पूजा चल रही थी और मैं पूजा में था कि अचानक मुझे मिट्टू दिख गई, और फिर क्या हुआ आप जानते ही हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि स्वर्गीय माता जी अपने आशीर्वाद में मुझे मिट्टू दे गई। मेरे भाई अगर आशीर्वाद है तो उसे संभाल के रखो, ना जाने कब जरूरत पड़ जाए। क्या मतलब भैया? मेरा मतलब ये कि शादी से पहले मैंने और गुंजन ने बहुत रोमांस किया, मतलब रोमांस अभी भी है लेकिन तब की बात ही कुछ और होती थी। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई कि अगर जितने भी रोमांस के मौके तुम्हें मिले उन्हें लूट लो। काश काश ऐसा हो पाता भैया। तो भी हो जाएगा। सीरियसली? अरे आओ ना इधर आओ। अरे रचना तुमने वो नई इयररिंग्स ली थी ना, दिखाओ। हाँ एक मिनट हम दिखाते हैं। गुंजन ये लो। वाव रचना ये तो बहुत सुंदर है। मीठू तुम ये इयर रिंग्स ट्राई करके दिखाओ ना। नाना जी हाँ हाँ ट्राई करो ना, लेटेस्ट फैशन का है। और नहीं तो क्या, और हर बात में इतना क्या शर्मा रहे हो। चलो पहन के दिखाओ। नाना जी मारे को ना पहने। ओहो मेरी शर्मीली देवरानी, लाओ एक बार पहन के दिखाओ प्लीज। ओहो एक मिनट देखते कौन है। अरे गुंजन दरवाजा खोलो ना। क्यों क्या चाहिए? अरे बाबा दरवाजा खोलो तो बात करता हूँ ना, एक सेकंड खोलो ना दरवाजा। फरमाइए। अब एक्चुअली मैं क्या कह रहा था, जब से विक्रम और मिट्टू यहाँ पे आए ना दोनों को टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिला, तो क्यों ना हम दोनों। मिट्टू रानी आप ही बताइए, लड़कियां डिसाइड करेंगी विक्रम या नो विक्रम। अभी
जवाब मिल गया, अब तक लिया। मैं क्या कह रहा था, क्यों ना हम दोनों कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। गुड नाइट मिस्टर क्वालिटी टाइम। अरे गुंजन, गुंजन। ओहो, हमारे बेचारे भैया, कठोर दिल पत्नी ने दुत्कार दिया। कठोर नहीं, कतार में इंतजार करने को कहा है। अब क्या करें भैया, आपका प्लान तो फ्लॉप हो गया। वो क्या है ना भैया, हमें सब करने में शर्म आती है। यहाँ सब लड़कियां हैं, इतना शर्माओ मत मीठू। एक बार तो अपना चेहरा दिखा दो जिस पर विक्रम भैया एकदम लट्टू है। ना, अरे अरे क्या हुआ? भागो मत, हम काटते नहीं है। चलो आओ, मुंह दिखाई की रस्म मैं ही कर देती हूँ।